आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत अभिनंदन। कक्षा द्वितीय विषय हिंदी और पाठ 10 पहेलियां। पहले हमने जानवर संबंधित 9 पाठ में पढ़ा था, आज अपन पहेलियां पढ़ेंगे, यानी जो पहेलियां में चित्र दिया हुआ है उनके अनुसार उनको चित्र को देखकर बताना है इसमें कौन सा चित्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले आ रहा है उदित पंक में हो पंकज सबके मन को भाता, निर्मल सदा नीर में रहता राष्ट्र पुष्प कहलाता, यानी उसका नाम है कमल। कमल का चित्र किताब में दिया हुआ है, तो पहले में आएगा कमल। उसके बाद में आता है दूसरा केसरी श्वेत और हरा, त्याग शांति सुख फैलाता, तीन रंगों से बना ये झंडा राष्ट्र ध्वज कहलाता। तो चित्र को देखते ही बता देंगे ये तिरंगा। तो दूसरे में आएगा तिरंगा। उसके बाद में आता है तीसरा, देखते बता देंगे काली काली उठी घटाएं, गरज रहा घनघोर, नीले नीले पंख फैलाकर नाच रहा चौकोर, देखो कितना सुंदर लगता मन को अधिक लुभाता है, अद्भुत छवि रूप में रूप लहर में राष्ट्र पक्षी कहलाता है, यानी उसका रंग रूप काली काली घटाएं जब होती है उस समय वो नृत्य करते रहता है, तो उसको चित्र को देख के बता देंगे ये मोर है। तो तीसरा दिया हुआ है मोर। फिर आता है चौथा, लाल लाल आंखों वाला जोर जोर से गुर्राता है, गजब फुर्तीला ताकतवर, यानी गजब फुर्तीला ताकतवर राष्ट्र पशु कहलाता है। देखते ही चित्र को जैसे ही देखेंगे तो पता चल जाएगा से। तो चौथे का हो गया से। उसके बाद में आता है पांचवा, पंख नहीं पर उठती हूं, हाथ नहीं पर लड़ती हूं, यानी मेरे पंख नहीं है तो भी मैं आकाश में उठती हूं, हाथ नहीं है तो भी मैं लड़ती हूं। जैसे ही देखेंगे आकाश में मकर संक्रांति के दिन चित्र को देखकर ध्यान आएगा पतंग। तो पांचों आएगा पतंग। फिर आ रहा है छठा, चित्र देखेंगे तो ध्यान में जाएगा छोटा सा राजकुमार कपड़े पहने एक हजार, यानी छोटा सा राजकुमार कपड़े पहने एक हजार, जैसे जैसे उनको छीलेंगे वैसे वैसे उतरता जाएगा, यानी उसका नाम है प्याज। जैसे जैसे हम छीलते हैं वैसे वैसे उनको उतरते जाते हैं, उनका नाम हो गया प्याज। उसके बाद में अंतिम सबसे लास्ट सामान में एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, आंधी आए तूफान आए मोती एक न घी में पाए, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए लेकिन मोती एक न घी में पाए, यानी आकाश के अंदर जब सूर्यास्त होता है अंधेरा होता है तो आकाश के अंदर देखते हैं तो चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे ही पूछेंगे तो बता देंगे अरे वो तो तारे। तो इसमें हो गया तारे, यानी ये जो साहब पहेलियां दी हुई है चित्र दिया हुआ है सामने, चित्र को देखेंगे तो तुरंत ध्यान में आएगा कि ये कमल है, फिर दूसरे के अंदर तिरंगा है, तीसरे के अंदर मोर है, चौथे के अंदर शेर है, पांचवे के अंदर पतंग है, छठे के अंदर प्याज है और सातवें के अंदर तारे हैं, यानी देखते ही ध्यान में आ जाएगा। तो सभी अभिभावकों से निवेदन है कि भैया को जो वर्ग पे दी गई है कॉपी के अंदर लिखवाना और उनके सामने उनका उत्तर लिखवाना। पहले जैसे चार अंक लिखेगा चित्र सामने तो उसके नीचे लिखेगा कमल, फिर दूसरे नीचे लिखेगा तिरंगा, ऐसे करके भैया बहन को
कॉपी मेरे को ना और याद करना। नमस्कार।